हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड टुडे आवर टॉपिक इज इज़ अ कैरियर इन एचआर फॉर मी क्या मेरे लिए भी कोई पेशा है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर या मेरे लिए भी जॉब होंगी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर तो ये टॉपिक है हमारा आज का ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर टू है फंक्शन एंड स्ट्रेटेजी और आज का हमारा टॉपिक है इज़ अ कैरियर इन एच फॉर मी तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है जो आपकी बुक में मैंशन है उसको ब्रीफली हमने किया है यहाँ पर Uh, are you considering a career in human resource management? It's a good, it's a good idea, considering that the Bureau of Labor Statistics estimate that the need for HR professional will grow faster than the most career areas through 2022. अब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आप human resource management के अंदर अपना पेशा consider कर रहे हैं, सोच रहे हैं उस उस पेशे में job करने के लिए तो इट्स अ गुड आइडिया ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया है अमेरिका uh, का एक डिपार्टमेंट है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ठीक है ये एक इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट है जो काम करता है लेबर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मज़दूर की मद, मर्दम शुमारी के ऊपर उन्होंने एस्टिमेट किया अंदाज़ा लगा है कि एच प्रोफेशनल की जो नीड है वो ग्रो करने वाली है दो से यानी कि 2022 से इनकी जो नीड है वो बढ़ने वाली है लेकिन ये अमेरिका की रिपोर्ट है अब जरूरी नहीं कि यही सूरत हाल पाकिस्तान में भी हो या किसी और कंट्री में भी हो पोजीशन इंक्लूड द फॉलोइंग। अब कौन कौन सी पोजिशन जो है एच आर प्रोफेशनल में आपको मिल सकती हैं, वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू अदर एच आर प्रोफेशनल जो दूसरे एच आर प्रोफेशनल हैं असिस्टेंट जो होते हैं उनको सपोर्ट देते हैं मदद करते हैं उनके काम के अंदर या तो आपको ये पेशा भी मिल सकता है कि आप एच प्रोफेशनल जो हैं ह्यूमन रिसोर्स की जो पहले से पेशा बनाना नौकरी करने वाले या जॉब करने वाले लोग हैं आप उनको सपोर्ट करेंगे आप उनके एच असिस्टेंट बन जाएंगे या आपको पोजिशन मिल सकती है जर्नलिस्ट की एच जर्नलिस्ट प्रोवाइड सर्विस टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन आल फोर ऑफ द एच फंक्शन जितने चारों एच के फंक्शन हैं चाहे वो स्टाफिंग है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है मोटिवेशन है और मेंटेनेंस है उन चारों फंक्शन में ये ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ठीक है चाहे वो रिक्रूटमेंट हो सिलेक्शन हो ट्रेनिंग हो कुछ भी हो सब में ये ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं या आपको ये जॉब मिल सकती है एचआर के अंदर या आपको मिल सकती है एचआर स्पेशलिस्ट ज ए टिपिकली कॉन्सर्न विद ओनली वन ऑफ द फोर फंक्शन जो स्पेशलिस्ट होता है ये एच आर एम का एक ही फंक्शन जो है उसको परफॉर्म कर रहा होता है एक फंक्शन का स्पेशलिस्ट होता है चाहे वो स्टाफिंग का स्पेशलिस्ट हो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का स्पेशलिस्ट हो मोटिवेशन का स्पेशलिस्ट हो या मेंटेनेंस का स्पेशलिस्ट हो वो उन फील्ड के अंदर भी किसी एक फील्ड का स्पेशलिस्ट हो सकता है रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन का वगैरह वगैरह तो या तो आपको एच स्पेशलिस्ट की जॉब भी मिल सकती है या फिर आपको एच आर की जॉब मिल सकती है डिसीजन मेकर जो जिनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है वो एग्जेक्टिव होते हैं तो आपके पास डिसीजन मेकिंग की पावर भी हो सकती है आप एग्जैक्टिव की जॉब भी आपको मिल सकती है रिपोर्ट डायरेक्टली टू द ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल एच आर फंक्शन एंड लिंकिंग एच आर विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी अब एग्जेक्टिव जो होते हैं वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट को ठीक है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लिंक करती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से और उनके फंक्शन से और इनका काम क्या होता है कि जितने भी एच आर के काम हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटी के साथ लिंक करना होता है ठीक है तो आपको ये जॉब भी मिल सकती है तो चार आपके पास प्रोफेशनल हैं जो अवेलेबल हैं असिस्टेंट जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट और एग्जेक्टिव जो आपको मिल सकते हैं और अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स 2022 से एचआर प्रोफेशनल की जो जॉब्स हैं वो ग्रो करने वाली है तो अब इसमें कितनी सच्चाई है ये उनको पता ठीक है लेकिन उस जो, जो जिसने ये आप कह सकते हैं कि एक किस्म का सर्वे किया है और रिपोर्ट जारी की है लेकिन पाकिस्तान में मैं आपको बताता हूँ कि एच की जॉब्स एज़ कंपेयर टू फाइनास और मार्केटिंग से कम होती हैं मोस्टली जो एच डिपार्टमेंट होते हैं वो बड़े शहरों में होते हैं और हमारा अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह जो है इंटरव्यू जो है वो वहीं पे हो रहा होता है तो डैट इज़ वाई जो कंसीडर किया जाता है कि एच की जॉब जो पाकिस्तान में है वो एज़ कंपेयर टू मार्केटिंग और फाइनास कम है नो no डाउट के बहुत ही अच्छी जॉब्स होती हैं जो मिलती हैं अच्छी सैलरीज होती हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज इनकी पाकिस्तान में थोड़ी कम होती हैं अगली स्लाइड देख लेते हैं इज अ कैरियर इन एच आर फॉर मी कंटिन्यूर है एच आर प्रोफेशनल विल फ्रीकेंटली स्टार्ट एज एन एच आर जर्नलिस्ट और एज अ रिक्रूटर जो एच आर प्रोफेशनल्स होते हैं जो एच आर के अंदर जॉब करना शुरू करते हैं उसके पेशा वाराना लोग होते हैं वो अक्सरियत के साथ ज़्यादातर जो होते हैं एच आर जर्नलिस्ट के तौर पर काम स्टार्ट करते हैं या रिक्रूटर के तौर पर काम स्टार्ट करते हैं रिक्रूटर के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं एच आर जर्नलिस्ट में स्टार्ट विद कंपनी ऑफ एनी साइज एंड हैव वराइटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग हायरिंग ट्रेनिंग एवेल्यूएटिंग कम्युनिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग बेनिफिट्स डिसिप्लिनिंग एंड यस पॉसिबल इवन फायरिंग एम्प्लॉयज अब जो एच आर जर्नलिस्ट होते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं कंपनी से चाहे वो कंपनी का कोई भी साइज़ हो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो स्मॉल कंपनी हो या आप कह सकते हो कि पार्टनरशिप या मिडिल कंपनी हो या लार्ज कॉरपोरेशन हो किसी भी कंपनी के साइज़ से वो स्टार्ट कर सकते हैं और उनको परफॉर्म करनी पड़ती हैं वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियाँ अदा करनी पड़ती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो रिक्रूटिंग भी हो सकती है अट्रैक्ट करना पूल ऑफ कैंडिडेट को भर्ती करना ठीक है हायरिंग करना उनकी सिलेक्शन करना ट्रेनिंग तरबियत देना वैल्यूटिंग उनका तर, उनकी परफॉर्मेंस को वैल्यूट करना कम्युनिकेशन उनके साथ जो कम्युनिकेशन है उनके साथ बातचीत है एम्प्लॉई और मैनेजर की वो सेट करना एडमिनिस्ट्रेटिंग बेनिफिट्स और जो उनको सैलरीज और बेनिफिट फराम करने उनके निज़ाम को एडमिनिस्ट्रेट करना डिसप्लिन उनके जबता यानी कि उन असूलों पर पाबंद करवाना और येस पॉसिबल इवन फायरिंग एम्प्लॉई हती कि कभी कभी इंप्लॉई को फायर करने की रिस्पॉसिबिलिटी भी इन्हीं के पास आ जाती है ठीक है तो ये सारे काम एच आर जर्नलिस्ट को करने पड़ते हैं और अक्सर जो एच आर के अंदर आते हैं उनको पहले यहीं जॉब करनी पड़ती है दूसरी जॉब जिनको करनी पड़ती है वो हैं रिक्रूटर्स रिक्रूटर्स असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इन लोकेटिंग एंड एक्वायरिंग न्यू एम्प्लॉय अब रिक्रूटर जो होते हैं जस्ट ये एक पार्ट कर रहे हैं ठीक है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ये लोकेट कर रहे हैं कि कहाँ पे अच्छे एम्प्लॉय हमें मिल सकते हैं और कहाँ से फिर न्यू एम्प्लॉई को हमने एक्वायर करना है मिसाल के तौर पर कि कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ या कैंपस में जाते हैं वहाँ पर लोगों को रिक्रूट करते हैं उनको पता होता है कि इस इंस्टीट्यूट से हमें इस फील्ड के अच्छे स्टूडेंट जो हैं वो मिल सकते हैं तो वो वहाँ पर जाके उनको हायर करना शुरू कर देते हैं तो यही रिक्रूटर का, का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहाँ से अच्छे एम्प्लॉय मिल सकते हैं और उनको हम हायर करना है सम ऑफ़ द स्किल दैट कैन पेव यूर वे टू सक्सेस इन एच आर इनक्लूड स्ट्रॉन्ग इंटरप्रसनल कम्यूनिकेशन स्किल मोटिवेशन एंड एम्बिशन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड गुड बैकग्राउंड ऑफ बिजनेस नॉलेज आउटसाइड ऑफ एच आर कुछ स्किल्स महारतें या काबिलियत जो आपके रास्ते को पेव करते हैं हमवार बनाते हैं एच आर के अंदर कामयाब होने के वो कुछ महारतें या स्किल्स जो हैं वो मुदरजा जैर यहाँ पर बयान किए गए हैं पहला तो है स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल इंटरपर्सनल कहते हैं बाहमी को मेल जोल के रबे की काबिलियत होना कि आप बहुत आसानी से लोगों को लोगों के साथ मेल जोल कर लें और उनको अपनी बात मनवाने के काबिल हों इसको कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स के किस तरह से आप बाहिमी ताल्लुक पैदा कर लेते हैं अपने को कोलीग्स और लोगों के साथ ये आपके अंदर बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए तो इसके लिए सुनना ज़्यादा होता है और बोलना कम होता है नेक्स्ट हमारे पास है मोटिवेशन एंड विशन आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए इंकरेजमेंट होनी चाहिए रीज़न होनी चाहिए काम करने की और ख़्वाहिश होनी चाहिए काम करने की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स तनकीदी सोच की स्किल्स होनी चाहिए ठीक है अहम फैसले करने की काबिलियत होनी चाहिए एंड गुड बैकग्राउंड ऑफ बिजनेस नॉलेज और आपके पास बिजनेस नॉलेज का बहुत अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए एच आर के मतलब भी और आउटसाइड द एच आर और ह्यूमन रिसोर्स से बाहर की फील्ड्स के अंदर भी आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए अगर ये तमाम ख़ूबियाँ स्किल्स आपके अंदर होंगी तो आपका जो रास्ता है एच आर के अंदर सक्सेस होने का वो आसानी से पार हो जाएगा तो ये छोटा सा टॉपिक था इज़ अ कैरियर इन एच आर मी जिसको हमने ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया जो कि आपकी बुक में मैंशन था चैप्टर टू में यहीं पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे पूछ सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़